सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर है आपके लिए एसएससी की वर्ष 2019 की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वर्ष 2019-20 का एग्जाम कैलेंडर घोषित कर दिया है, जिसके अंतर्गत वे 5 लाख से ज्यादा खाली पदों को भरने जा रहे हैं। सभी एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इन पदों पर लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसएससी वर्ष 2019-20 में किन किन रिक्रूटमेंट्स को आयोजित करने जा रहा है, क्या इनकी ओपनिंग डेट है, क्या इनकी लास्ट डेट है और क्या इनके एग्जाम की डेट है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है वर्ष 2019-20 के लिए। यहाँ पर अगर एग्जाम की बात की जाए तो फर्स्ट एग्जाम इन्होंने कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सब ऑर्डिनेट ऑफिस या फिर हिंदी प्राध्यापक एग्जाम 2018 का पेपर फर्स्ट का एडवर्टाइजमेंट 22/10/2018 को रिलीज कर दिया था। इस पर आवेदन करने की लास्ट डेट 19/11/2018 थी। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम इस पोस्ट के लिए 13 जनवरी 2019 को CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। वहीं दूसरा एग्जाम एसएससी ने एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेस 4/2018 का कराया था, जिसका नोटिस 5/9/2018 को घोषित किया था। इस एग्जाम पर आवेदन करने की लास्ट डेट 30/9/2018 थी। डेट्स इस एग्जाम की 16/1/2019, 17/1/2019 और 18/1/2019 थी। जी हाँ दोस्तों, तीनों एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे। थर्ड नंबर का जो एग्जाम था वो था स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन 2018, जिसका नोटिस 22/10/2018 को रिलीज किया गया था। इस पोस्ट पर आवेदन करने की लास्ट डेट 19/11/2018 थी। स्टेनोग्राफर की इस पोस्ट का एग्जाम 5/2019 को और 7/2019 को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा। फोर्थ नंबर का जो एग्जाम है वह रिक्रूटमेंट फॉर कॉन्स्टेबल GD इन CAPFS एग्जाम 2018++। जी हाँ दोस्तों, 21/7/2018 को इसका नोटिस रिलीज किया गया था। वहीं इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट थी 20/8/2018। इस भर्ती का एग्जाम 11/2019 और 11/3/2019 को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिफ्थ नंबर का जो एग्जाम है वो है RECTT ऑफ SI इन CAPFS या ASI इन CISF एंड SI इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2018 पेपर फर्स्ट। इसका नोटिस 3/3/2018 को रिलीज किया गया था। 2/4/2018 को इसकी लास्ट डेट थी। इस भर्ती का एग्जाम 12/3/2019 को और 16/3/2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही इस पोस्ट के लिए भी कराया जाएगा। सिक्स नंबर का जो एग्जाम है वह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL एग्जामिनेशन 2017 Tier 4 या फिर CPT या फिर DEST, इसकी डेट्स नोटिस के अभी रिलीज़ नहीं की गई है, लास्ट डेट भी अभी रिलीज़ नहीं की है और इसके एग्जाम की डेट भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। अब हम आपको सेवन्थ नंबर के एग्जाम के बारे में बता दें, जो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जाम 2017 Tier 3 स्किल टेस्ट, इसकी भी डेट्स अभी घोषित नहीं की गई है। एट नंबर का एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2018, इसकी भी कोई डेट्स अभी घोषित नहीं की गई है। नाइन्थ नंबर का जो एग्जाम है वह कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सब ऑर्डिनेट ऑफिस या फिर हिंदी प्राध्यापक एग्जाम 2018 पेपर सेकंड, इस भर्ती का एग्जाम 26/5/2019 को संडे में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद 10th नंबर का जो एग्जाम है वह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2018 Tier 1 5/5/2018 को इस एग्जाम का नोटिस रिलीज किया जाएगा। इस एग्जाम की आवेदन करने की लास्ट डेट 4/6/2018 है। एग्जाम इस भर्ती का 4/6/2019 से 19/6/2019 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। 11th नंबर का जो एग्जाम है वह कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जाम 2018 Tier 1 5/5/2019 को इसका नोटिस रिलीज होगा। 5/4/2019 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम इस भर्ती का 1/7/2019 से 26/7/2019 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। 12th नंबर का जो एग्जाम है वह मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 पेपर फर्स्ट, इसका नोटिस 22/4/2019 को रिलीज होगा। लास्ट डेट इसकी 22/5/2019 है। एग्जाम यहाँ पर इसका 2/8/2019 से 6/9/2019 तक CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। थर्ड नंबर का जो एग्जाम है वह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018 Tier 2, यह एग्जाम 11/9/2019 से 13/9/2019 तक कराया जाएगा। 14th नंबर का जो एग्जाम है वह जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2018 पेपर फर्स्ट,
1/2/2019 को इसका नोटिस रिलीज किया जाएगा। लास्ट डेट इसकी 25/2/2019 है। एग्जाम इसका 23/9/2019 से 27/9/2019 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। 15th नंबर का जो एग्जाम है वो है RECTT ऑफ SI इन CAPFS, ASI इन CISF एंड SI इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2018 पेपर सेकंड, इसका एग्जाम 27/9/2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। 16th नंबर का जो एग्जाम है वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जाम 2018 टीयर सेकंड, इसका एग्जाम 29/9/2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। 17th नंबर का जो एग्जाम है वो है एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन पोस्ट फेस VII 2018 8/7/2019 इसकी नोटिस डेट है। इसकी लास्ट डेट 27/7/2019 है। इसका एग्जाम 14/10/2019 से 18/10/2019 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। 18th नंबर का जो एग्जाम है वो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 पेपर सेकंड, इसका एग्जाम 17/11/2019 को संडे के दिन कंडक्ट कराया जाएगा। 19th नंबर का जो एग्जाम है वो है कंबाइंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिस / हिंदी प्राध्यापक एग्जाम 2019 पेपर फर्स्ट, इसका नोटिस 1/8/2019 को रिलीज होगा। वहीं इस पर आवेदन करने की लास्ट डेट 28/8/2019 है। एग्जाम आपका 26/11/2019 को कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट कराया जाएगा। 20th नंबर का जो एग्जाम है वो है RECTT ऑफ SI इन CAPFS /ASI इन CISF एंड SI इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2019 पेपर फर्स्ट, नोटिस इस एग्जाम का 17/9/2019 को रिलीज किया जाएगा। आवेदन करने की लास्ट डेट 15/10/2019 है। एग्जाम आपका 11/12/2019 से 13/12/2019 तक कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड यह भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 21th नंबर का जो एग्जाम है वह है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2018 टीयर थर्ड, इसका एग्जाम 29/12/2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। 22nd नंबर का जो एग्जाम है वह है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2018 पेपर सेकंड, यह एग्जाम आपका 29/12/2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। 23 नंबर का जो एग्जाम हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड CND एग्जामिनेशन 2019 17/9/2019 को इसका नोटिस रिलीज होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट 15/10/2019 है। डेट एग्जाम की अभी घोषित नहीं की गई है, जो जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। 24 नंबर का जो एग्जाम है वह जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एग्जामिनेशन 2019 पेपर फर्स्ट, इसके नोटिस की डेट 1/8/2019 है। लास्ट डेट 28/8/2019 है। एग्जाम की डेट जल्दी घोषित कर दी जाएगी। 25th नंबर का जो एग्जाम है वह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2019 टीयर 1 31/10/2019 को इसका नोटिस रिलीज किया जाएगा। आवेदन करने की लास्ट डेट 28/11/2019 है। एग्जाम की डेट जल्दी घोषित कर दी जाएगी। 26 नंबर का जो एग्जाम है वह कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जाम 2019 टायर 1, इसका नोटिस 12/12/2019 को रिलीज होगा। आवेदन करने की लास्ट डेट 10/1/2020 है। एग्जाम की डेट जल्दी घोषित कर दी जाएगी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको SSC के इस एग्जाम कैलेंडर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली SSC एग्जाम कैलेंडर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इन सभी एग्जाम की डेट, ओपनिंग डेट, लास्ट डेट और एग्जाम की डेट चेक कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने SSC के एग्जाम कैलेंडर की PDF खुल जाएगी, जिसमें से पूरी डिटेल आप यहां से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल आप केयरफुली रीड कर सकते हो कि किस डेट को कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, क्या इनकी ओपनिंग डेट है, क्या नोटिस की डेट है, क्या लास्ट डेट है, ये सब जानकारी आप यहां से इस PDF के माध्यम से देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इन एग्जाम पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इन एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है ssc.nic.in। जैसे ही दोस्तों आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पर इन भर्तियों से रिलेटेड सभी नोटिस रिलीज कर दिए जाएंगे, जिनमें से आप पूरी डिटेल रीड कर सकते हैं और लास्ट डेट से पहले पहले इन भर्तियों पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में SSC एग्जाम कैलेंडर 2019 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।